सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आप सही थंबनेल देखकर आए हो। अब इंडियंस को जॉर्जिया वीजा का कोई टेंशन नहीं है, आपको फ्री में वीजा मिलने वाला है। फ्री में वीजा ही क्या, आपको प्री अरेंज वीजा भी नहीं करना है, आपको ऑन अराइवल वीजा मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पासपोर्ट लेना है, टिकट लेना है और चले जाना है जॉर्जिया। ऑन अराइवल वीजा मिलेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर मैं फ्लाइट फेयर की बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ का, जैसे मैंने चेक किया, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूँ, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट तो है ही नहीं, वाया आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली से अगर जा रहे हो तो आपको दिल्ली से के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। फेयर की मैं बात करूँ तो अराउंड 57,000 तक आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है। सो गाइस, वीजा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता हूँ और मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। और चलो आप वो देख लेते हैं। 3, 2, 1। सो गाइस, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो बता रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं, मैं स्क्रीनशॉट भी आजू बाजू लगा दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट आराम से पढ़ सकते हो, और मेरा ये प्रूफ भी हो जाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आपको यकीन भी हो जाए। ठीक है गाइस, तो करता हूँ मैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, ये देखो, जॉर्जिया ऑफर्स अ वीजा फ्री रिजिम फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हु हैव अ वैलिड मल्टीपल एंट्री वीजा फ्रॉम द सेंगेन एरिया, द यूएस, द यूके और द यूए मेंबर स्टेट। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जॉर्जिया ऑफर कर रहा है वीजा फ्री रिजिम फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, इंडियंस के लिए वीजा, लेकिन उनके पास कुछ वीजा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए वीजा, तो उसकी लिस्ट भी हम देख लेते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो भी आप पढ़ लेना अगर आपको मेरा कुछ बोलना समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इफ यू आर होल्डिंग अ वैलिड वीजा फ्रॉम द बिलो गिवन लिस्ट यू कैन एंटर जॉर्जिया विदाउट ऑब्टेनिंग अ सेपरेट जॉर्जियन वीजा फॉर शॉर्ट स्टे। अगर आपके पास पहले से वीजाज है, स्टैम्प है, ये सब कुछ किन किन वीजा को मैं बताता हूँ, तो आपको जॉर्जिया में पहले भी वीजा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्री ऑप्टेन करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। तो कौन कौन से वीजा आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक वीजा हो तो आप जॉर्जिया फ्री में जा सकते हो। जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सेंगेन कंट्रीज का कोई भी वीजा हो आप जा सकते हो, बहरेन का वीजा हो, इसराइल का वीजा हो, जापान, साउथ कोरिया, कुवैत, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, दुबई, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। इसमें से, इतने सारे वीजाज में से आपके पास कोई भी एक वीजा हो तो जॉर्जिया में आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा, टिकट लेना है, पासपोर्ट लेना है, सीधा चले जाना है। ठीक है गाइस, तो उसके साथ साथ खत्म नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ कैरी करना पड़ेंगे। तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट भी आप पढ़ लेना अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फास्ट बताने की आदत है, आप रोककर वीडियो रोककर पढ़ सकते हो आराम से। तो ठीक है गाइस, तो ये पढ़ते हैं अभी। व्हेन ट्रैवलिंग टू जॉर्जिया कैरी योर वैलिड वीजा अलोंग विद योर इंडियन पासपोर्ट। जब अगर जॉर्जिया के लिए आप जा रहे हो, पासपोर्ट लेना है आपको, अगर ई वीजा या कुछ होगा आपके वो लेना है, नहीं तो स्टिकर वीजा तो पासपोर्ट में वो रहता ही है, ठीक है, वो ले लेना है। इट्स गुड टू हैव एन एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट माइट बी रिक्वायर्ड। वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट तो आप लेने वाले हो, लेकिन ध्यान रखना वो 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ के लिए, ये नहीं कि 2 मंथ ही बाकी एक्सपायरी डेट को और आप चले गए, नहीं, 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। फिर पासपोर्ट कंटेनिंग द वैलिड वीजा, इसमें से कोई भी एक वैलिड वीजा होना चाहिए। राउंड फ्लाइट टिकट, आपको वन वे फ्लाइट टिकट नहीं, राउंड ट्रिप करके जाना है, ठीक है, बराबर डेट्स, जब भी आना जब जाना है वो राउंड ट्रिप टिकट लेना है आपको। उसी साथ साथ चेक इन चेकआउट डेट, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, मतलब आपका चेक इन भी वही होना चाहिए, चेकआउट भी होना चाहिए जो आपका टिकट पे है, वही ट्रैवल डेट का होटल भी होना चाहिए। इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आप जरूर निकालना गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगेगा। और $500 अप्रोक्स, अगर INR में बात करें तो 50,000 हैंडी रखना है आपको पर पर्सन, 2-4 लोग जा रहे तो 50,000, मतलब पर पर्सन आपको 50,000 आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा। तो ठीक है गाइस, तो ये सारा कुछ था गाइस, जॉर्जिया वीजा आपको फ्री में कैसे मिलेगा, ऑन अराइवल कैसे मिलेगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज लाइक, और प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ ताकि आपको ट्रैवलिंग में आसानी हो जाए और आपको पता भी चले, आपको नॉलेज भी अच्छा मिले। तो मेरे वीडियो को प्लीज अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। अब मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।